वास्तव में आज का दिन बहुत ही एक क्रांतिकारी दिन ऐसा मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में समझता हूँ, क्योंकि हम लोग इस आईटी के सिस्टम को बहुत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और शुरू से ही जब हमने सत्ता संभाली 26 अक्टूबर 2014 तो उस समय इतनी भीड़ रहती थी मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के आवास, मंत्रियों के कार्यालय और फिर अधिकारियों के पास भी एक लाइन लगी रहती थी। और उसमें फोर्थ फ्लोर पर जो जिसको कहना चाहिए कि बहुत से एजेंट्स भी, ये भी भीड़ लगी रहती थी, भरा रहता था। मैंने अपने ही समय भी देखा, पहले भी जब सरकारें चलती थी उस समय भी कभी कभी सेक्रेटरिएट में या किसी न किसी मंत्री मुख्यमंत्री के आवास पर जाने का जब मौका मिलता था तो बहुत मैं अपने आप को एक ऐसे स्थिति में पाता था कि ये लोग आजाद भारत के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है कि जिस किसी को सरकार से काम होता है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, राजधानी की ओर चल पड़ता है। तो उस नाते से सारी की व्यवस्था ऐसी क्यों ना हो कि सरकारी काम है, सरकारी काम है, उसको घर बैठे काम का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो हरियाणा सरकार जो है वो नागरिक के डोरस्टेप पर पहुंचे इसके लिए सिस्टम संयोग से आईटी के ये जो प्रावधान है उसका जो उपयोग है उसको भी समझने की कोशिश की कि हम इससे क्या क्या चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले 25 दिसंबर 2014 को हमने सीएम विंडो का की शुरुआत की मात्र 1.5 महीने में ही। और उस सीएम विंडो के माध्यम से आज नागरिक जो है अपने घर में बैठे हुए अपने स्थान पर उसके शहर के नजदीक, कस्बे के नजदीक, जहां भी उसको सीएम विंडो मिलती है वहां, और वो जो अपने कंप्लेंट को डालता है, मेरा ख्याल है लगभग, मैं गलती पर नहीं हूँ, तो लगभग 9 लाख कंप्लेंट सीएम विंडो पर आ चुकी है और उसमें से 8.25 लाख का एक्शन टेकन भी हो चुका है। तो 9 लाख लोग यदि अपने घर से कंप्लेंट ना डालते और चंडीगढ़ की तरफ रास्ता करते तो आज 2500 दिन हुए हैं, हर दिन का हिसाब लगा लो कितना पड़ता, 400 लोग प्रतिदिन हमने उन कंप्लेंट्स को चंडीगढ़ आने से बचाया। तो उस एक कार्यक्रम के माध्यम से सब इतना हो गया। फिर हमने जो जितने भी आईटी के टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम किए उसका जो लाभ मिला है जनता में उसका एक असर है। आईटी भले वो कहते तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है लेकिन मैं इसको इमीडिएट ट्रांसमिशन या इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन आईटी का मतलब ही निकालता हूँ। इमीडिएट काम हो जाए, कहीं भी देश में दुनिया में कोई आदमी बैठा उसने क्लिक किया और वो संबंधित आदमी के पास चीज पहुंच गई, संबंधित आदमी ने उसको हल किया, क्लिक किया तो फिर वापस उस आदमी का रिजल्ट उसको मिल गया। तो इस क्रांतिकारी सारे सिस्टम से हमने जो चाहे अंत्योदय सरल अंत्योदय केंद्र बनाए, सरल केंद्र बनाए, या जो सर्विसेज को ऑनलाइन किया और उसके माध्यम से सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, और अब जो सॉफ्टवेयर नए नए बने हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या वेब हेल्प के माध्यम से हमारा जो जितने भी रेवेन्यू के जो डाटा रिकॉर्ड है, लैंड रेवेन्यू लैंड जो हो रहा है उसमें से लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। इतना सब होने के बाद भी बहुत कुछ बाकी भी है। लोगों को जागरूक करना पहली आवश्यकता तो ये है, जैसा ठीक बताया गुप्ता जी ने कि जागरूकता के अगर अभियान चलाए जाएंगे लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस की कमी बहुत है। हम ऐसे कमरे में बैठ करके प्रोग्राम बना लेते हैं और बता आपस में कंसल्ट करके उसकी उसको रिफॉर्म भी कर लेते हैं और हमको लगता है कि सारा सुविधाजनक हो गया, लेकिन उसमें समय लगता है जब लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचती है, लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उसका सोल्यूशन इमीडिएट हो, इसके लिए जितने सिस्टम को बनाने चाहिए वो बनाने चाहिए।